सफला एकादशी व्रत कथा। मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा को सुनकर अर्जुन ने प्रसन्न होते हुए कहा, हे कमल नयन, मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा सुनकर मैं धन्य हो गया। हे मधुसूदन, अब आप पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की महिमा बताने की कृपा करें। उस एकादशी का क्या नाम है? उस दिन किस देवता की पूजा होती है? उसकी व्रत का विधान क्या है? मुझ पर कृपा करें और मुझे सविस्तार बताएं। अर्जुन की जिज्ञासा सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, तुम्हारे प्रेम के कारण मैं तुम्हारे प्रश्नों का विस्तार सहित उत्तर देता हूँ। अब तुम इस एकादशी का व्रत और महात्म्य सुनो। हे पार्थ, इस एकादशी के द्वारा भगवान विष्णु को शीघ्र ही प्रसन्न किया जा सकता है। पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला है। इस एकादशी की आराध्य देव नारायण है। इस एकादशी के दिन श्रीमन नारायण जी की विधि के अनुसार श्रद्धा पूर्वक पूजा करनी चाहिए। हे पांडुनंदन, इसे सत्य जानो। जिस तरह नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, ग्रहों में सूर्य चंद्र, यज्ञों में अश्वमेघ, देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ है, उसी प्रकार व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति भगवान श्री हरि को अति प्रिय है। इस एकादशी में नींबू, नारियल, नैवेद्य आदि अर्पण करके भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। मनुष्य को 5 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने से जिस पुण्य का फल प्राप्त होता है, वही पुण्य श्रद्धा पूर्वक रात्रि जागरण सहित सफला एकादशी का उपवास करने से मिलता है। हे कुंती पुत्र, अब तुम सफला एकादशी की कथा ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय में चंपावती नगरी में महिष्मान नामक एक राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उसका सबसे बड़ा पुत्र लुम्पक नामक था और वह महापापी था। वह हमेशा पर स्त्री गमन में वेश्याओं के यहाँ जाकर अपने पिता का धन व्यय किया करता था। देवता, ब्राह्मण, वैष्णव आदि सुपात्रों की निंदा करके वह अति प्रसन्न होता था। सारी प्रजा उसके कुकर्मों से बहुत दुखी थी, परंतु युवराज होने के कारण सब चुपचाप उसके अत्याचारों को सहन करने को विवश थे और किसी में भी इतना साहस नहीं था कि कोई राजा से उसकी शिकायत करता। परंतु बुराई अधिक समय तक पर्दे में नहीं रहती। एक दिन राजा महिष्मान को लुम्पक के कुकर्मों का पता चल ही गया। तब राजा अत्यधिक क्रोधित हुआ और उसने लुम्पक को अपने राज्य से निकाल दिया। पिता द्वारा त्यागते ही लुम्पक को और सभी ने भी त्याग दिया। अब वह सोचने लगा कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं। अंत में उसने रात्रि को पिता के राज्य में चोरी करने की ठानी। वह दिन में राजा राज्य के बाहर रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में जाकर चोरी और अन्य बुरे कुकर्म करने लगता। रात में वह जाकर नगर के निवासियों को मारता, कष्ट देता। वन में वह निर्दोष पशु पक्षियों को मारकर उनका भक्षण किया करता था। किसी किसी रात जब वह नगर में चोरी आदि करते पकड़ा भी जाता तो राजा के डर से पहरेदार उसे छोड़ देते थे। कहते हैं कि कभी कभी अनजाने में भी प्राणी ईश्वर की कृपा का पात्र बन जाता है। ऐसा ही कुछ लुम्पक के साथ भी हुआ। जिस वन में वह रहता था वह वन भगवान को अति प्रिय था। उस वन में एक प्राचीन पीपल का पेड़ था। उस वन को सभी देवलोक देवताओं का क्रीड़ा स्थल मानते थे। वन में उसी पीपल के वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक भी रहता था। कुछ दिन बाद पौष मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वस्त्रहीन होने के कारण लुम्पक तेज ठंड से मूर्छित हो गया। ठंड के कारण वह रात को सो न सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। वह रात बड़ी कठिनता से बीती, किंतु सूर्य के उदय होने पर भी उसकी मूर्छा नहीं टूटी। वह ज्यों का त्यों पड़ा रहा। सफला एकादशी की दोपहर तक वह पापी मूर्छित ही पड़ा रहा। जब सूर्य के तपने से उसे कुछ गर्मी मिली, तब दोपहर में कहीं उसे होश आया। वह अपने स्थान से उठकर किसी प्रकार चलते हुए
वन में भोजन की खोज में फिरने लगा। उस दिन वह शिकार करने में असमर्थ था, इसीलिए पृथ्वी पर गिरे हुए फलों को लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे आ गया। तब तक भगवान सूर्य अस्ताचल को प्रस्थान कर गए थे। भूखा होने के बाद भी वह उन फलों को न खा सका, क्योंकि कहाँ तो वह नित्य जीवों को मारकर उनका मांस खाता था और कहाँ वो फल। उसे फल खाना अधिक एकदम भी अच्छा नहीं लगा, अतः उन फलों को पीपल की जड़ के पास रख दिया और दुखी होकर बोला, हे ईश्वर, ये फल आपको ही अर्पण है, इन फलों से आप ही तृप्त हो। ऐसा कहकर वह रोने लगा और रात को उसे नींद भी नहीं आई, सारी रात रोता रहा। इस प्रकार उस पापी से अनजाने में ही एकादशी का उपवास हो गया। उस महापापी के इस उपवास तथा रात्रि जागरण से भगवान श्री हरि अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके सभी पापों को नष्ट कर दिया। सुबह होते ही एक दिव्य रथ अनेक सुंदर वस्त्रों और सामानों से सजा हुआ उसके सामने खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे युवराज, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। जब यह आकाशवाणी लुम्पक ने सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और बोला, हे प्रभु, आपकी जय हो। ऐसा कहकर उसने वस्त्र धारण किए और अपने पिता के पास चला गया। पिता के पास पहुंचकर उसने सारी कथा पिता को सुनाई। पुत्र के मुख से सारा वृत्तांत सुनने के बाद पिता ने अपना सारा राज्य उसी क्षण पुत्र को दिया और स्वयं वन को चले गए। जब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा, उसकी स्त्री और पुत्र भगवान विष्णु के परम भक्त बन गए। वृद्धावस्था आने पर वह अपने राज्य को अपने पुत्र को सौंप कर भगवान के भजन करने के लिए वन को चला गया और अंत में परम पद को प्राप्त हुआ। हे पार्थ, जो मनुष्य श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक इस सफला एकादशी का उपवास करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मुक्ति प्राप्त होती है। हे अर्जुन, जो मनुष्य इस सफला एकादशी के महत्व को नहीं समझते, उन्हें पूंछ और सींगों से विहीन पशु ही समझना चाहिए। सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने तथा श्रवण करने से प्राणियों को रासुई यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। इस कथा का सार इस प्रकार से है। यह सफला एकादशी की कथा हमें भगवान के अति कृपालु होने का भान कराती है। यदि कोई मनुष्य अज्ञानवश भी प्रभु का स्मरण करे तो उसे पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। यदि मनुष्य निश्चल भाव से अपने पापों की क्षमा मांगे तो भगवान उसके बड़े से बड़े पापों को भी क्षमा कर देते हैं। लुम्पक जैसा महापापी भी भगवान श्री हरि की कृपा से वैकुंठ का अधिकारी बना। जय श्री हरि।